चिली चिकन बनाने के लिए मैंने चिकन को ऐसे छोटा छोटा पीसेस में काट लिया, ऐसे देख सकते हो आप लोग, छोटा छोटा पीसेस में काट लिया। उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हो या फिर मैदा भी मिला सकते हो ऐसे, मैं तो थोड़ा सा मैदा मिलाऊंगी इसमें। जस्ट हाफ कप मैदा देना है, हाफ किलो चिकन में। उसके बाद दो एग्स, हाफ टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड नमक थोड़ा कम देने से ही ठीक है, और थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा अजिनामोटो, क्योंकि चाइनीज डिशेस में तो चाहिए, तो मैं भी थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि अजिनामोटो हेल्थ के लिए उतना ठीक नहीं है, मैं स्लाइड थोड़ा सा डाल रही हूँ। सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, मैं चिली विनेगर डाल रही हूँ थोड़ा सा, जस्ट हाफ टेबल स्पून। अभी हो गया, इसको अभी जस्ट मिक्स करना है। ऐसे हाफ एन आवर रख देना है ढक के। मैंने इसको ऐसे ढक दिया। अभी मैं चिकन को फ्राई करूंगी। चिकन फ्राई करने के लिए मैं रिफाइंड तेल का यूज कर रही हूँ। रिफाइंड तेल दे दिया मैंने। अभी जो मैरिनेट करके रखी थी चिकन, वो देखिए वो ऐसा हो गया देखने में। अभी उसको मैं इधर डाल दूंगी, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है ना। बहुत फ्राई करने के लिए तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं चम्मच की मदद से इसको एक एक करके दे दूंगी ऐसे, और आंच कम कर दूंगी लो फ्लेम में। मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद थोड़ा हाई फ्लेम में उसको थोड़ी देर के लिए जस्ट 1 मिनट रख दूंगी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब चिकन को ऐसे फ्राई कर लिया। अभी मैं चिली चिकन बनाऊंगी। मैंने वो चिकन फ्राई किया हुआ तेल में सब प्याज टमाटर और कैप्सिकम को ऐसे दे दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली पाउडर, देखिए इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी। फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अभी मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस। फिर मैं इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा बारीकी से कटा हुआ गार्लिक का पीसेस, मतलब लहसुन का पीसेस मैं दे दूंगी इसमें। अभी हम लोग दे देंगे इसमें चिकन, सब चिकन दे दिया। वेजिटेबल एंड चिकन को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है।
अभी मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। जितना ग्रेवी हम लोग को बनाना है उतना ही पानी देना है हम लोग को। तो ये मैं मिला के उस ग्रेवी में चिकन में मैं ऐड कर दूँगी, तब ये ग्रेवी बन जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ। वो मैंने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दिया। सोया सॉस देने के बाद और फ्लावर देने के बाद ये ऐसा हो गया। थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया इसमें और ये बन गया है। ये रेडी हो चुका है चिली चिकन, देखिए। सो आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए घर में।